हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम। तो आज मैं आपको एक चम्मच तेल में बहुत ही बढ़िया आयरन प्रोटीन वाला नाश्ता बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी है, खाने में एकदम जूसी लगेगा। तो मैंने ये थोड़ी सी पालक ली है। पालक के पत्ते को हमने बढ़िया धो कर के साफ कर लिया है अच्छे से। ये हमारे पत्तों का पानी निकल गया है। अब इन पत्तों को हम तोड़कर जार में पीसेंगे और इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा जीरा। और इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसको हम ऐसे ही पीसेंगे बिना पानी के। अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा एक चम्मच डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी हमको पतला नहीं करना है। तो ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम एक साइड रख देते हैं। इसके बाद मैंने ये दो उबले आलू लिए हैं, तो आलू को हमने छील लिया है और इसको हम हाथों से मैश करेंगे। आप चाहे तो किसी या किसी कटोरी से मैश कर सकते हैं, मैंने इसको हाथों से ही बढ़िया सा मैश कर लिया है। अब इसमें हमने ये आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। इसके बाद इसमें मैंने ये जो पालक का पेस्ट बनाया था वो इसमें हम मिला देंगे और इसको पूरा मिलाने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, तो कॉर्नफ्लोर मैंने ये आधी कटोरी लिया है। तो इसको हम छन्नी से छान के डालेंगे। तो छन्नी से छान के हमने डाल दिया। इसके बाद इसको हम हाथों से मैश करेंगे। तो ये हाथों से ये हमारा पूरा ये अच्छे से मैश हो गया है। थोड़ा सा पतला लग रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अब ये हमारा तैयार हो गया है पालक का पेस्ट। इसके बाद मैंने ये पनीर लिया है, तो 100 ग्राम पनीर लिया है। तो पनीर को मैं हाथों से ही इसको भी हम मैश कर लेंगे। तो ये हमने तोड़ लिया है, तो ये ज़्यादा हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है। इसके बाद ये बाकी का पनीर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये पूरा मैंने पनीर को मिक्स कर लिया है। नमक हम हल्का सा ही डालेंगे और थोड़ा सा ये काली मिर्च, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इनकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे हम। तो ये सारी गोलियां बनके तैयार हो गई हैं। अब जो आलू पालक का पेस्ट लिया है वो लेंगे। तो हमने ये पहले इसको हाथों पर तेल लगाएंगे। तो तेल लगाने से क्या है, ये चिपकेगा नहीं हमारे हाथों से। और दूसरे हाथ से हम इसकी लोई तोड़ के इसमें बीच में ये थोड़ी सी जगह बनाएंगे। तो जो ये हमने पनीर की ये गोली बनाई थी इसको रख देंगे और इसको भर देंगे। तो इसके ऊपर से हम थोड़ा सा पेस्ट और ये लगाएंगे पालक आलू का। तो इसको हमने तैयार कर लिया है। तो ये हमारी ये छोटी सी गोल गोल टिक्की टाइप की बन गई है। तो इसको आप टिक्की कहिए या पेड़ा कहिए, तो हमने ये बना लिया है। ऐसी दूसरा भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये इसमें भी हम ये भर के दूसरा भी हमने रेडी कर लिया है। ऐसे ही बाकी सारे हम रेडी कर लेंगे। तो ये सारे देखिए तैयार हो गए हैं। और इसके बाद मैंने ये एक अप्पे मेकर लिया है, तो इसको हम गैस पे गरम करके इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ग्रीस करने के लिए थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। तो इसके बाद इन सब जो हमने बनाई हैं इसमें डाल देंगे। तो ये पालक पनीर का इतना बढ़िया टेस्टी ये लगेगा, एक बार आप खाएंगे तो बार बार आप इसी को बनाएंगे, इतना टेस्टी लगता है खाने में। इसके बाद इसको करीब धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए सेकने देंगे। इसके बाद इसको हम पलट देंगे। तो सारे हम ऐसे ही पलट देंगे, तो ये सब अंदर से सीख जाएंगे। धीमी आंच पर, तेज आंच पर नहीं सेकना है, धीमी आंच पर ही सेकना है। तेज आंच पर ये जल जाएंगे, अंदर तक नहीं सेक पाएंगे। तो ये अंदर तक सेकने के लिए इसको धीमी आंच पर ही सेकेंगे। तो ये हमारे सारे अप्पे बनके तैयार हो गए हैं पालक पनीर के एक चम्मच तेल में। इतने बढ़िया टेस्टी अप्पे हैं। तो एक बार इसको आप बनाइए और खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी रखिए, तो बच्चों को हर बार नया चीज़ चाहिए तो बच्चों के टिफ़िन में आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे ये पालक पनीर के अप्पे बनके तैयार हो गए हैं। अंदर से एकदम जूसी, बाहर से क्रिस्पी। तो आपको मेरी पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो और भी रेसिपी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।